एक बार फिर प्रदेश सरकार की बढ़ सकती है परेशानियां। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद लड़ेंगे लाड़वा विधानसभा से चुनाव। लाड़वा हलका से भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अब की बार विधानसभा में ठोकेंगे ताल। मुख्य मुद्दा रहेगा किसानों की समस्याओं को हल करवाना। जहां 21 जून को भारतीय किसान यूनियन की एक प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब हरियाणा प्रदेश में किसानों की समस्याओं को हल करवाने के लिए प्रदेश में दोबारा से भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की ओर अपना रुख अपना सकती है। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद लाड़वा विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने खुद इसका ऐलान भी किया। चलिए देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। बैठक बुलाई गई है प्रदेश स्तरीय आपकी बैठक, क्या बताएं क्या मुद्दे हैं? देखिए, आज की मासिक मीटिंग है, 21 तारीख को होती है, और आज के जो मुद्दे हैं वो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे आज चर्चा हुई है। जैसे नारायणगढ़ शुगर मिल की गन्ने की पेमेंट है जो आज की तारीख में 100 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट रुकी हुई है, और केन कमिश्नर ने 15 मई तक ये पेमेंट करवाने का वादा किया था, आज 21 जून हो गई है और 100 करोड़ से ज़्यादा अभी तक रुका हुआ है, और अभी वो टस से मस नहीं हो रहे। वहाँ पे 24 तारीख की किसान पंचायत रखी गई है, और इसी तरह से सूरजमुखी है, सूरजमुखी के 8 केंद्र यहाँ पे बनाए गए थे और सारी सूरजमुखी खरीदने का वादा किया था, लेकिन अभी सूरजमुखी जो है आधी भी सूरजमुखी भी नहीं खरीदी गई है, और 2 खरीद एजेंसियाँ हैं, फड़ने और वेयर हाउस ने खरीदनी थी, तो आज के टाइम में दोनों खरीद एजेंसियाँ मंडी में नहीं हैं, और जबकि सरकार का आर्डर 95,000 क्विंटल का आ भी गया है कि इतनी खरीदनी है, लेकिन फिर भी जो है वो आपस का जो उनका झगड़ा है वो नहीं निपट रहा, और सूरजमुखी पेंडिंग अभी ADC से मिल के आए हैं लेकिन मामला सुलटा नहीं है। वहाँ पे कल शाहबाद में पंचायत रखी गई सूरजमुखी के लिए, और इसी तरह से यमुनानगर मिल में एक धरना चला हुआ है, यमुनानगर बाईपास का धरना चला हुआ है, धरना भी समाप्त है, 3 तारीख को उसकी रखी गई है, वहाँ किसानों की पेमेंट नहीं की है। और एक मुद्दा जो है आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हरियाणा सरकार ने नए बिजली के कनेक्शन जो ट्यूबवेल के थे वो इशू किए थे, लेकिन उसके साथ कई शर्तें ऐसी लगा दी गई हैं जो किसान पूरी नहीं कर सकता। जैसे 5-स्टार मोटर की है, एक स्टार्टर और थोप दिया गया, वो स्टार्टर ही 35,000 रुपये का है, पाइपलाइन की है, कई इस पे शर्तें थोप दी गई हैं जिनका कोई हल अभी तक नहीं निकल रहा है, और उसका लिए 12 दिन तक रेवाड़ी जिले के लोहारू में धरना चलता रहा। अभी वहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है और 15 दिन का टाइम वहाँ पे दिया था कि या तो बिजली बोर्ड उसको अपनी शर्तें हटाए और वरना उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन होगा, और यहाँ के लोगों की भी बहुत भारी समस्या, भी कई गाँवों के लोग हमारे पास आए हुए हैं जिनका नए कनेक्शन जिनके देने थे और वो अभी पैसे भरवाने, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने नए कनेक्शनों के पैसे भरवाने बंद कर दिए गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने बयान तो दे दिया है कि जो 5-स्टार मोटर का खर्चा है वो सादी मोटर से जितना ज़्यादा होगा वो सरकार देगी, लेकिन उसका सर्कुलर अभी तक नहीं आया है, और सर्कुलर ना आने की वजह से वो कन्फ्यूज़ है, ना वो उधर बात को लगा रहे हैं ना उधर बात को लगा रहे हैं, और उन्होंने खर्चा वो भरवाना बंद कर दिया और कनेक्शन देने पूरी तरह से बंद मतलब कर। हरियाणा प्रदेश में अब दोबारा धरने पर करेंगे जी? बिल्कुल, दोबारा मैं 4-5 जगह के बता हटा हूँ, ये जगह जगह पे इसके लिए धरने प्रदर्शन जो चल भी रहे हैं और आगे चलेंगे भी। तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बार भारतीय किसान यूनियन विधानसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाएगी और अपने कैंडिडेट भी थोड़े ज़्यादा कहीं कुछ ना कुछ अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे, किसी से समझौता हो और किसी से समझौता चाहे ना हो, हम किसानों की वोट के भी एक डर दिखाना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों को। जब तक किसानों की वोट का डर राजनीतियों को नहीं होगा, राजनीतिक पार्टियों को, तब तक किसानों की बात को वो मानेंगे नहीं, वो केवल किसानों को एक वोट बैंक मानते हैं, किसानों को केवल एक प्रयोग में वो चुनाव के टाइम प्रयोग उनका करते हैं, और जब कुछ देने का टाइम होता है उस वक्त कुछ नहीं देते। तो कितनी सीटों में मान सकते हैं हरियाणा में अब चुनाव लड़ने? देखिए, ये तो अभी राय करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लड़ेंगे, शुरुआत है ना, अब की बार शुरुआत है, और उस शुरुआत में हम चाहे चंद सीटों पर ही लड़ें लेकिन जरूर लड़ेंगे चुनाव। जी हम भी लड़ेंगे, हम लाडवा से लड़ेंगे और उसकी तैयारी हमने जो है वो फील्ड में जाकर शुरू कर दी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी शाहबाद विधानसभा चुनाव जी
जी हम जो है वो लाडवा से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। लाडवा विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगे और भी कई सीटों से हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, चाहे उसमें हमारे थोड़े भी उतारें। किसानों के मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, किसानों और मजदूरों के, किसानों के और मजदूरों के रहेंगे। मोटी बात यह है कि देश के अंदर जो है वो कारपोरेट का कब्जा हो गया है। अगला जो खतरा है खेती को और मजदूरों को, अगला खतरा ये है कि जो खेती का बिजनेस और खेती का उत्पादन, ये दोनों कारपोरेट के पास जाने वाले हैं। खेती का जो बिजनेस है वो कुछ उनके पास जा चुका और कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो खरीद है वो कारपोरेट को दे रहे हैं, जो दवाइयाँ खाद वो कारपोरेट को चला गया है, और आगे जो खेती है वो भी शुरुआती दौर में उसका कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, ठेके पे खेती होगी, कंपनियां करवाएंगी, और उसके बाद यहाँ 500 एकड़ के 1000 एकड़ के प्लाट बना के कंपनियां खेती करने का प्लान है। ये सारे का मुकाबला करने के लिए किसान को खुद जागृत होना पड़ेगा और चुनाव में भागीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिसी जो है वो वहाँ पर। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।